नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। रियो ओलंपिक कवर करने जा रहे पत्रकारों की बस पर फायरिंग, गोलीबारी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बास्केटबॉल वेन्यू से ओलंपिक पार्क की तरफ जा रही थी बस। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के नापाक बोल, कहा भारत का आंतरिक मामला नहीं है कश्मीर, कश्मीरियों की आवाज उठाकर खुद को बताया खुशनसीब। चीन ने भारत को दी चेतावनी, दक्षिणी चीन सागर विवाद में ना पड़े भारत, भारत की सलाह को नजरअंदाज कर दक्षिणी चीन सागर में युद्ध की तैयारी कर रहा है चीन। यमन की राजधानी सना में फूड फैक्ट्री पर हवाई हमला, 14 लोगों की मौत, कई लोग घायल। प्रशासन ने सऊदी अरब की सेना की ओर से हवाई हमले की जताई आशंका। तुर्की और रूस के रिश्तों में आई नरमी, दोनों देशों ने आर्थिक संबंध बहाल करने का लिया फैसला। सीरियाई सीमा के पास तुर्की की ओर से रूसी विमान गिराए जाने से बढ़ा था तनाव। इथियोपिया में सरकार विरोधी प्रदर्शनों को कुचलने के लिए सुरक्षा बलों ने चलाई गोलियां, 104 लोगों की मौत, सैकड़ों लोग घायल। अरोमा शहर की स्वतंत्रता का समर्थन कर रहे थे प्रदर्शनकारी। तो ये थे अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीवी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।